मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा टी सीरीज़ को, बीआर फिल्म्स को, नितेश जी को कि उन्होंने दोबारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया कि इस फिल्म में मैं काम करूँ। और जैसे कि भूमिका इन्होंने अभी दी है कि कहानी किस तरह से बनती है, जो भूतनाथ पहली फिल्म थी उसमें तो वो वापस स्वर्ग चला जाता है और ये फिल्म जो है ये वहाँ से शुरू होती है जब वो वहाँ ऊपर पहुँचता है और किस तरह से वो वापस भेजा जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात किस तरह से होती है और इनसे ख़ास तौर से, ये जो एकदम चैम्पियन है हमारा, इनका नाम है पार्थ और लेकिन है असल में ये चैम्पियन, ये पिक्चर के हीरो हैं, मैं ज़ीरो हूँ। और इनके जो कारनामे हैं वो अद्भुत हैं क्योंकि यही एक प्राणी है जो पूरे फिल्म में मुझे देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है ये आप फिल्म में ही देखिए। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूं और जैसा कि मेरे दोस्त मेरी टांग खींचते हुए कहते हैं कि मैं इस फिल्म का घोष डायरेक्टर हूं, फाइन, एनीथिंग टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। भूतनाथ रिटर्न्स एक्चुअली एक जर्नी है, इससे जुड़े काफी दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं। इन द प्रीवियस फिल्म ही हैज गॉन टू हेवन, पितृपक्ष हो गया उसका, सो ही हैज गॉन बैक। But because when he goes back there, everybody is laughing, as you saw in the scene. ये सब लोग हंस रहे हैं मुझ पर and they are laughing because they are saying कि यार एक बच्चे को तुम डरा नहीं पाए और तुमने भूतों की नाक काट दी। So now he wants to go back to prove that. So he is asking please send me back. But लंबी क्यू है जो नीचे reincarnate होने चाहते हैं उनकी। तो finally he comes down and that's how he reacts with him. क्योंकि यही एक बच्चा है जो हमें देख सकता है, इसीलिए आपने ट्रेलर में देखा, हमने कहा नॉट अगेन, एक और बच्चा मुझे देख सकता है। बहुत मिस कर रहा हूं लेकिन बंकू अब मेरी हाइट के हो गए हैं। हमें चाहिए था आधे हाइट का आदमी, वो ये है चैंपियन। इनका परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। इनका नाम है पार्थ और ये बहुत ही भयंकर आर्टिस्ट है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये मराठी फिल्मों से इनका संबंध रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जिस मराठी फिल्म में इन्होंने काम किया वो मराठी फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गई और वहाँ पर उसको पुरस्कार दिया गया है। सो बिग हैंड फॉर पार्थ एंड ही इज ए वंडरफुल वंडरफुल आर्टिस्ट। आई डोंट नो हाउ ही इज सो नेचुरल, कहाँ से लाता है तो यार समझ में नहीं आता है, लेकिन है बहुत कमाल का आदमी ये। किल्ला, दैट्स राइट, किल्ला नाम था पिक्चर का। हाँ बोलना उनको, साहब को बोलो। यस, किल्ला बहुत बढ़िया था। मतलब मुझे जो लगा था कि मतलब मैं डरा हुआ था लेकिन उन्होंने बहुत फ्रेंडली लिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। I'm playing role of Akhroot's mother. Apart from that, I can't disclose anything. But working with Bachchan sir, it's a dream come true. Actor होने का जो एक होता है ना कि हम actor बनने की इच्छा थी जो था वो सब पूरा हो चुका है उनके साथ काम करने के बाद। Yes, this is my honest confession. It was great experience. हर एक का सपना होता है कि इनके साथ एक स्क्रीन पे शेयर करें, इनके साथ काम करें, एटलीस्ट एक फोटो तो खींच ले जिंदगी में। एंड मुझे पूरी मतलब एक फीचर फिल्म करने का मौका मिला तो मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। गाने पे हमने बहुत ध्यान दिया इसमें और मैं भी ये लाइन मानता हूँ कि गाना सुपरहिट तो फिल्म भी सुपरहिट। ऐसा लगता तो है मैडम, गाना चल पड़ता है तो फीचर भी चल पड़ती है। ये भूमिका है जो कि हमने डाली हुई है, अगर सही होगी तो अच्छा है। या आई थिंक दैट स्टोरीज आर डिफरेंट, द वे दे हैव बीन ट्रीटेड इज डिफरेंट। द स्क्रीन प्ले ऑफ भूतनाथ वॉज क्वाइट यूनिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट्स सक्सेस एक्चुअली स्पोक वॉल्यूम्स एज टू व्हाई इट वॉज अ सक्सेस एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड। But at the same time, Bhutnath Returns is equally well crafted and beautifully screenplayed
And I'm sure that when you'll see the film, it's difficult for us to talk about the film because there are many areas which we can't talk of without revealing the story. So I hope that we can meet after the film releases, and hopefully it is a celebration for the success of the film and we can meet with you again. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.